हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सर्वेश इलेक्ट्रिशियन में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को मोटर में कैपेसिटर का कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं और आप लोग को करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जो मोटर है, पिछली वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि खूंटी का कनेक्शन कैसे किया जाता है मोटर में। तो इस वीडियो में आप लोग को हम बताएँगे कि कैपेसिटर का कनेक्शन मोटर में कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आप लोग को कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जो कैपेसिटर है, बहुत पुराना कैपेसिटर है। ये देखिए सब मिट गया है इसका। हम इसी का कनेक्शन आप लोग को मोटर में करके दिखाएंगे। आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस आप लोग को जो कामन यानी स्टार्टिंग और रनिंग वायर का एक में कामन किया गया है खूंटी में, उसमें किसी भी कैपेसिटर का एक वायर उसमें जोड़ देना है। तो हम इस वायर को इसी में जोड़ देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर कर, ये देखिए। और दूसरे वायर को आप लोग को करना क्या है कि जो रनिंग का और एक स्टार्टिंग का वायर है, तो हम इसमें रनिंग वाले वायर में एक कैपेसिटर का कनेक्शन कर देंगे। आप किसी में भी कर सकते हैं, पर आप लोग आपका मोटर उल्टा चलने लगेगा। वो भी हम बताएंगे अगली वीडियो में कि उसको कैसे ठीक किया जाता है। ये देखिए, हम दोनों में कनेक्शन कर दिए, और करने के बाद आप लोग को हम इसको चलाकर दिखा देते हैं। और इसके ऊपर से हम कस देते हैं नट को, ताकि हमारा कनेक्शन ढीला ना रहे। ये देखिए, दोनों साइड कस देते हैं। ये देखिए, और ये देखिए, हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए, हम एक बार आप लोग को मोटर को चलाकर दिखा देते हैं। तो चलिए, हम स्विच को ऑन करते हैं और आप लोग को मोटर को चलाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारा मोटर चलने लगा। तो ये देखिए, हमारा मोटर चलने लगा, यानी कैपेसिटर पूरी अच्छी तरह कनेक्शन हो गया इसका। अगर दोस्तों आप लोग को मोटर में कैपेसिटर का कनेक्शन वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर अगली वीडियो में।